चलो मम्मी को तंग मत करना ज्यादा, समझ गए? ये पॉसिबल है। तो ये लोग गए मेरे को छोड़ करके। मोपा 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 लाया 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 मोपा 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 लाया 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 मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा। फ्लाइट का मैसेज तो नहीं आया ना रीशेड्यूल वगैरह का? ऑन टाइम का आया है। पापा एक सवाल है, ये जब मोपा बन रहा था ना, तब इसके गोवा में आने की कोई फ्लाइट नहीं होती थी? होती थी ना, वो वहां से डबोलिम वाला एयरपोर्ट, वास्को में एयरपोर्ट है। अच्छा। उससे आते थे लोग। और जब वो बन रहा होगा तब? अरे वो बहुत पुराना है, अंग्रेजों के टाइम का है। नहीं है तो ये भी असली है, वही ना है, उसी का ही है। वो लोगो है ना उसका, वो जो साथ में फूल सा बना होता है। डिपार्चर आगे से होगा ना, जब एरो बना है तो उसके आगे होगा। पूरे 7 बजे हम पहुंचे हैं, मतलब 7 बजने को भी 9 मिनट है, वही 35 मिनट के अंदर हम अपने घर से जैसे मर्जी चल लो 35 मिनट में पहुंच जाते हो, और फ्लाईओवर बन गया तो और 20 मिनट में पहुंच जाओगे। यहीं से है ना, वो आगे से था। इन्होंने ऐसे रोड बना रखी है जैसे मतलब कि यहाँ पे मोमो। हाँ यही मुड़ गए थे ना वो आगे से। नहीं नहीं सही है, बेवकूफ सही तो है हो रहा। अभी मैं यहीं से यूटर्न ले रहा होगा। काले काले बादल आ गए हैं, बारिश होंगी। फील गोवा, फील गोवा। चलो जी मोपा एयरपोर्ट आ गया। तो बंद करो, चले चले नहीं जाऊं। हाँ मतलब चले मतलब मैं जाऊं। झंडा नीचे क्यों है? शाम हो गई बात। अच्छा शाम हो गई ना इसलिए। ये डिक्की से सामान भी उतर रहा है और बच्चे भी डिक्की से निकल रहे हैं। बैग देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 बैग हैं और लोग सिर्फ 4 हैं। दो बच्चे, 4 बड़े हैं 2 बच्चे और 9 बैग। अमजद भी तो इतने ही बैग लेके आया था। अरे पर इनके बैग के साइज तो देखना यार, बैग के साइज तो देखो, 4 बड़े 2 बच्चों में इतना बड़ा बैग। Bueno,
पार्किंग लाइट ऑन है। जाओ तुम लोग, मैं क्या गाड़ी पार्किंग में लगाना पड़ेगा। जा रहे ये लोग, जा रहे चलो, मम्मी को तंग मत करना ज्यादा, समझ गए? ये पॉसिबल है, चलो जाओ और पहुंच के मेरे को फोन कर देना। बारिश हो तो 30 की स्पीड पे चलाना और पार्किंग लाइट ऑन रखना, ठीक है? जाओ ध्यान से और घर पहुंच के मेरे को फोन कर देना या मैसेज डाल देना। क्या हुआ? चलो ठीक है, तो ये लोग गए मेरे को छोड़ कर एयरपोर्ट, मोपा एयरपोर्ट, और ये आधे पौने घंटे में घर पहुंच जाएंगे और तब तक मैं अपना अंदर जाऊंगा। एक घंटे बाद है मेरी फ्लाइट। इस एयरपोर्ट से मेरी ये पहली फ्लाइट है, मतलब इससे पहले मैं अमजद को छोड़ने आया था और ये जब दिल्ली गए थे इनको छोड़ने आया था और जब दिल्ली से आए थे तब लेने आया था, पर मेरी पहली फ्लाइट है और मेरी फ्लाइट है अमृतसर की इंडिगो। हाँ, 20:35 पे अमृतसर की इंडिगो फ्लाइट। इस समय 7 बज रहे हैं, फ्लाइट है 8:35 की, राइट टाइम है, ऑन टाइम है, तो तब तक मैंने सोचा अंदर जाने के बाद तो बाहर आ नहीं सकते, तो चलो जब तक थोड़ा बाहर ही घूम लेते हैं। वो लोग भी जा चुके हैं मुझे छोड़ के एयरपोर्ट पर। तो ये मोपा एयरपोर्ट है गोवा का, अच्छा बनाया काफी। ये अराइवल है, अगर मैं इसी एयरपोर्ट से आया वापसी में तो मुझे यहीं से बाहर आना होगा। 7 बज रहे हैं इस समय, मेरा सेल्फ बोर्डिंग पास है जो वहाँ पे टच स्क्रीन के थ्रू अपने आप ही निकाल लिया हमने।
मेरा वो चेकिंग वगैरह हो गया है, सारा मैंने वो क्या लगेज वगैरह चेक होता है वो सब हो गया है। तो मेरे छोटे छोटे दो बैग थे तो मैं अपने साथ ही कैरी कर रहा हूँ। उन्होंने बोला कि आपको लगेज में डालना है, मैंने कहा नहीं, टाइम बचेगा बाहर निकलने के टाइम पे। तो छोटे छोटे दो बैग मैंने अपने साथ ही टांग लिए, एक पीठ पे और एक इधर आगे। मतलब अब सब हो गया है, बस 40-50 मिनट बाद फ्लाइट है। अच्छा बना है गोवा का एयरपोर्ट, जो डबोलिम वाला एयरपोर्ट है बहुत छोटा है, पर ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी वेल डिज़ाइंड है। दस नंबर गेट से अपनी फ्लाइट है और अभी कम से कम 50 मिनट है फ्लाइट को। बैठने की एक सीट देख लेता हूँ तो वहाँ बैठते हैं। यही मेरे दो बैग हैं। अब इन दो बैगों के साथ मुझे ट्रैवलिंग करनी है। अनाउंसमेंट हो गई है, मुझे अब एंट्री करना है। गेट नंबर 10 यही है। मैं वॉशरूम गया हुआ था, लेट हो गया, मेरी अनाउंसमेंट भी हुई है, अब जा रहा हूँ। वो खड़ी फ्लाइट वैसे छोड़ के तो नहीं जाएंगे, जब बोर्डिंग पास मिल गया तो उनको मालूम है बंदा आ चुका है अंदर। तो मैं अभी टॉयलेट ही कर रहा था वॉशरूम में, तभी अनाउंसमेंट हुई कि इमीजिएटली गेट पर पहुँचे। मैं ही अकेला हूँ और टहलते टहलते जा रहा हूँ। एक बार बहुत साल पहले दिल्ली में भी ऐसे ही हुआ था मेरे साथ, तो वो मुझे भाग भाग करके स्टाफ लेके गया था, कह रहा आपके चक्कर में फ़्लाइट रुकी हुई है। वो मतलब अनाउंसमेंट हुई, मैं मजे से घूम रहा था, मैं कहा अभी तो टाइम है, तो भाग भाग करके फिर वो मेरे को उन्होंने फ़ोन किया तो कह रहे आप कहाँ हो। और मज़ेदार बात यह कि पहले उन्होंने पूछा कि आप कहाँ हो, मैंने कहा क्यों बताऊँ, आप बताओ आप कौन हो। अरे कह रहा सर आपकी फ़्लाइट है, आप एयरपोर्ट पे हो, मैंने कहा हाँ। कह रहा कहाँ पे हो, मैंने बताया मैं इस जगह पे हूँ। कह रहा ठीक है हमारा वो हम आ रहे हैं। फिर वो आए, वो भाग भाग करके, फिर वो होता है ना कि लेट हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी ले करके जाते हैं। प्राइवेट वाले ऐसा ज़्यादातर करते, वो इंडिगो की खड़ी ना वो है अपनी फ्लाइट, वो इंडिगो। मैं ही हूँ अकेला। बारिश बहुत तेज हो रही है और बहुत तूफान है इस समय, बहुत तेज बारिश। तेज
भारी बारिश है दोस्तों, तूफान है। 2-3 राउंड लगाने के बाद लैंडिंग हुई है और बहुत झटके से लैंडिंग हुई है, तो हालत सबकी खराब हो गई थी। स्पीड देख लो आप, बहुत ही तेज तूफान था। 3 राउंड लगाने के बाद तो लैंडिंग हुई है। दोस्तों इस समय मैं हूँ अमृतसर में, मैं इस समय हूँ अमृतसर एयरपोर्ट पे और रात के 11:30 बज रहे हैं।